ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେ କ'ଣ ନ ଖାଇବେ କାହାକୁ ମାନିବେ କାହାକୁ ନ ମାନିବେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ डा विशेषतः गोटे तर्क वितर्क आलोचना पर्यालोचनार विषय होला किछि दिन तळे ए घटना समस्त गोटे प्रकार आलोचना करिया पई बाध्य कला धर्म नारे प्रश्न उठिला धर्म उपरे मध्य प्रश्न उठिला विज्ञान एवं धर्म मध्यरे मध्ये कलह सृष्टि ए सबकु नै आज आलोचना करबा आम सहित अछंती अंतरिक्ष वैज्ञानिक ओम प्रकाश पांडे जी सहित तो, ये विषय सबू संपर्क आलोचना करीबा सर पहले तो आपको स्वागत करती हूँ और ये जो हम बोलते हैं धर्म सूर्यपराग चंद्र ग्रहण ये सब विज्ञान के हिसाब से विज्ञान इसे कैसे मानता है धर्म अपने आप में एक स्पिरिचुलिज्म जिसको कहते हैं वो धर्म है और धर्म का भारत में जो धर्म का मतलब है वो सारा प्रकृति से नेचर की एक्टिविटी से रिलेटेड एंटी नेचुरल कोई एक्टिविटी नहीं है धर्म में धर्म पूरा प्रकृति को सपोर्ट करने वाला ही व्यवस्था है कि मनुष्य को उसके विषय में जानकारी अब आपने जो उड़िया में अभी बोला मैं उसको समझ गया मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ तो कि देखिए आलोचना होती है और आलोचना करना सबका अधिकार है और आलोचना करना चाहिए लेकिन सवाल ये है कि विज्ञान को उतने माइक्रो लेवल में जब समझने की आवश्यकता होती है उसके लिए एक लेवल होता है और वहाँ तक जाना पड़ता है और जो विज्ञान में केवल मैटेलिस्टिक की बात करते हैं अब तो विज्ञान रहा नहीं अब तो विज्ञान में ये होने लग गया है कि ये जो मैटेरियल स्टफ है वर्ल्ड ये ये जो पूरा यूनिवर्स है ये जो ये जो पूरा नेचर है ये मैटेरियल स्टफ नहीं है अब तो ये माइंड स्टफ है क्योंकि हम लोग जब चेतना पर काम करने लगे सोडिंगर ने नेलबोर्न ने हेजनबर्ग्स ने ये सब जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो चेतना पर तो भार ये तो अभी से इन्होंने शुरू किया भारत में तो इसमें बहुत पहले से इस पर काम हुआ है चेतना पर दूसरी बात यह है कि आपके आप जो बोल रहे हैं आपके माइंड से जो वाइब्रेट हो रहा है वो हमारे माइंड में आ रहा है हमारे माइंड से जो वाइब्रेट हो रहा है वो आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों के माइंड में जा रहा है हम जो बोलेंगे उसका एक प्रभाव पड़ेगा उनके सोचने में प्रभाव पड़ेगा तो पड़ता है कि नहीं पड़ता है? है तो एक वाइब्रेशन है एक मोमेंट है वो तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं दूसरी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ये तर्क बहुत बेमानी तर्क है इस बेई बेईमानी नहीं बोल रहा हूँ बेमानी है माने इसका कोई मतलब नहीं है मतलब नहीं है वो इसलिए नहीं है कि हम उसको उतना माइक्रो लेवल में और दूसरे चीज़ों के साथ संबंध करके हम नहीं देखते हैं। जैसे न्यूट्रिशन है वो आपको बोलते हैं कि रात के 12 बजे सूर्य एकदम आपके ऑपोजिट हो जाता है प्रत्येक जहाँ आप हैं वहाँ से सूर्य एकदम से ऑपोजिट हो गया अमेरिका में दिखाई दे रहा यहाँ सूर्य नहीं दिखाई दे रहा तो सूर्य की रोशनी जब नहीं आएगी तो क्लोरोफिल नहीं मिलेगा और क्लोरोफिल जब तक नहीं मिलेगा तो मेटाबॉलिज्म काम नहीं करेगा चाहे पचय तो इसलिए बोलते हैं कि रात के 12 बजे के बाद आपका लीवर जो है पॉइजनस एंजाइम रिलीज करता है इसलिए रात के 12 बजे के बाद आपको खाना नहीं चाहिए आप मॉडर्न ज़माने में आप बता दीजिए इसको कौन फॉलो करता है कोई फॉलो करता है न्यूट्रिशन बोलते हैं बारह बजे के बाद नहीं खाना चाहिए क्योंकि सूर्य नहीं है तो सूर्य पर अगर बीच में चंद्रमा आ गया और सूर्य से पृथ्वी के बीच में कोई दीवाल खड़ा हो गया तो सूर्य की रोशनी प्रॉपर नहीं आ रही है तो क्लोरोफिल नहीं मिल रहा है क्लोरोफिल जो सूर्य से आना चाहिए रेस से जो क्लोरोफिल आना चाहिए वो कहीं कोई ऑब्जेक्ट उसको रोक रहा है तो जब ऑब्जेक्ट रोक रहा है तो जितना आपको बॉडी को जरूरी एसेंशियल है उतना आपको नहीं मिल रहा है इनटेक आपको नहीं हो रहा है तो जब इनटेक नहीं हो रहा है तो उस समय जो भी आप खाएंगे अभी आप हेल्दी हैं यंग हैं आप खा लेंगे आपको कुछ नहीं पता चलेगा लेकिन जब बॉडी में वो जाएगा वो जो टॉक्सिन उसका बनेगा वो जिस समय आपकी ए, 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 इम्यून सिस्टम वीक होगा जिस समय आप बूढ़े होंगे या जिस समय आप बीमार पड़ेंगे जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो वो रिएक्ट कर जाएगा वो आज नहीं करेगा तुरंत नहीं करेगा वो रिएक्ट करेगा क्योंकि वो एलिमेंट आपके बॉडी में रह गया जो डिस्टर्बेड डिस्टर्ब एलिमेंट तो ये ये चंद्रमा के साथ नहीं होता ये सूर्य की बात कर रहा हूं मैं सूर्य ग्रहण में तो सूर्य ग्रहण में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो वो आपको आपको खाना पचने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा जब खाना पचने में प्रॉब्लम करेगा तो आपके इंटेस्टाइन में यहाँ पर सब जगह टॉक्सिन जमा होगा वो जो टॉक्सिन है वो आपका बॉडी हेल्दी है इम्यून सिस्टम अच्छा है कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा कितना भी शत्रु आ जाए आप अगर ताकतवर हैं तो शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता दुश्मन लेकिन जहाँ आप वीक होंगे वहाँ वो अटैक कर देगा ठीक है ना इसलिए हमें उससे बचना चाहिए चंद्र ग्रहण का खेल दूसरा है चंद्रमा का खेल क्या है कि चंद्रमा ब्लड संचालन जो हो रहा है या आपकी जो मनोदशा है मेंटेलिटी है आपकी सोच है उस पर चंद्रमा की जो ज्योत्सना है उसका काम करती है और चंद्रमा की ज्योत्सना इसलिए काम करती है कि चंद्रमा को आपने देखा होगा जिस समय ज्वार भाटा आता है देखिए पानी एकदम पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आपको ज्वार भाटा आपको दिखाई देगा आपके पास तो समुद्र ही है बगल में तो चंद्रमा जो है वो लिक्विड पर काम करती है आपके बॉडी में सेवेंटी परसेंट लिक्विड है तो उसमें वो काम करता है तो वो आपको एक मेंटल एन एनेक्सिटी एनजाइटी जिसे बोलते हैं एनजाइटी आपके मन में क्रिएट कर देगा वो प्रॉब्लम हो सकती है और कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है और फिर पंद्रह दिन चौदह दिन तो चंद्रमा ऐसे भी नहीं दिखाई देता तो क्या फ़र्क पड़ता है तो इसलिए उसका बड़ा न्यूट्रल प्रभाव पड़ सकता है लेकिन सूर्य ग्रहण का आपके बॉडी पर आपके हेल्थ पर आपके खाना पचने पर आज नहीं तो कल उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं ये साइंस मानता है और ये साइंस में सोचना चाहिए क्योंकि हम लोग एक चीज बोलते हैं कि जो आजकल तो वेस्टर्न में भी वेस्टर्न कंट्री में वेस्टर्न कंट्री में भी आजकल हेलियो बायोलॉजी चल गया हेलियो बायोलॉजी अंतरिक्ष में कोई घटना हो रही है उससे आपके शरीर पर क्या नुकसान पड़ेगा इस पर रिसर्च हो रहा है हेलियो बायोलॉजी सब्जेक्ट है और हम यहाँ बात कर रहे हैं ऐसा नहीं होगा हम साइंस में ये कहते हैं कि हम लोग सब इंटरकनेक्टेड हैं इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से जुड़े हुए इंटर रिलेटेड हैं इंटर डिपेंडेंट हैं दूसरे से आश्रित हैं और इंटर रेवरेंशियल भी हैं इंटर माने आत्मा के साथ भी हमारा जुड़ाव है तो जब हम जब सब जुड़ाव है आप बताइए साइक्लोन आ गया आप चाहे कितना दूर हैं आपको फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बिल्कुल पड़ेगा आपको कहीं किसी का मर्डर हो गया दस आदमी मर गए आप खाना खा रहे हो उस समय आपको टीवी पर आप देख रहे हैं कि किसी कैसे मर्डर हो गया गुजरात में मर्डर हो गया आप खाना खा रहे हो आप खाना खाने का मन करेगा आपका मतलब सब इंटर कनेक्टेड इंटर डिपेंडेंट हैं हाउ यू कैन डिनाई कि हमारे ये ऐसा होने से हमारे को नहीं होगा क्योंकि हम इस दुनिया से अलग आदमी हैं आप दुनिया में हैं तो दुनिया की कोई भी घटना होगी उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता विज्ञान भी, भी अभी ये कह रहा है कि ये पड़ेगा आपके ऊपर ये पड़ेगा चंद्र ग्रहण हो सूर्य पराग हो कोई भी बात हो जो सर हम ये उड़ीसा की बात अगर करेंगे और कोई स्टेट की बात छोड़ दीजिए हम उड़ीसा में जब बात करेंगे तो पहली बार ऐसा हुआ है कुछ लोग जो सोकल हेतुवादी बोलते हैं अपने आप को वो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं वो सिर्फ विज्ञान को विश्वास करते हैं जब एक डॉक्टर भी कोई ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है तो भगवान के ऊपर छोड़कर विज्ञान को अपना आ, कर्म मानकर जाता है तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे नहीं ऐसा नहीं है अमेरिका के एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने उनके पास एक केस आया और उस केस में वो लिखा हुआ है कि हाउ मेडिसिन रिएक्ट एक किताब है उनकी वर्ल्ड फेमस किताब वो कभी नहीं मानते थे वो ईश्वर विश्वर कुछ नहीं वो अपना सर्जरी का उनसे बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं था वो जब सर्जरी करते थे तो ब्लड नहीं निकलता था माने बॉडी नस नहीं कटती थी सो फाइन सो एक्सपर्ट और उन्होंने जब जिसको देखा उसका उन्होंने बोल दिया उसके फैमिली को बताया कि नाइन्टी पर परसेंट इज नो होप बट आई एम सिंस माई ड्यूटी आई एम गोइंग तो जब गया तो वो कॉन्सनेस में था वो आदमी तो वो ईश्वर को याद कर रहा था तो बोले तुम क्या कर रहे हो बोला कि अब ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ और मुझे आप में गॉड दिखाई दे रहा है डॉक्टर को बोला कि आई एम जस्ट लुकिंग गॉड इन योर फेस एंड ही इज कमिंग टू ऑपरेट मी बोला कि व्हाट गॉड इज़ टेलिंग टू यू क्या आपको ईश्वर बोल रहा है वो बोल रहा है कुछ नहीं आधा घंटा के बाद आप एकदम ठीक हो जाएगा बोला ऐसा बोला बोला हाँ ऐसा ईश्वर ने बोला और उसके बाद जब उसका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद वो डॉक्टर जो कह रहे थे कि हाँ आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर दैट नाइन्टी नाइन परसेंट इज नो होप बट इट इज़ अ फुटाइल एक्सरसाइज टू ऑपरेट दिस बॉडी इज इन ऑलमोस्ट डेड और उसके बाद वो सर्वाइव किया उसके बाद से उस डॉक्टर ने अपने ऑपरेशन थिएटर में गॉड की फोटो लगा दिया और डेली जाकर उनको पहले प्रणाम करता था कि मैं जा रहा हूँ आप भी मेरे साथ आइए ऑपरेशन करने के लिए तो इट्स इट्स डिपेंड अपॉन दे, दैट मेंटेलिटी एंड यू है और दूसरी बात ये सोचिए आप एक बात सोचिए आपका जन्म हुआ है आप भगवान को नहीं मानते विज्ञान को मानते हैं विज्ञान के बाद प्रज्ञान है ज्ञान है ज्ञान के बाद विज्ञान है और विज्ञान के बाद प्रज्ञान है विज्ञान आपको मेटलिस्टिक रिसर्च की बात तो बता देगा लेकिन वो उसका रिसोर्स कहाँ है कहाँ से वो डराइव्ड हुआ है वो तो प्रज्ञान ही बताएगा वो अनुभूति बताएगी तो अनुभूति विज्ञान कभी नहीं बताता है अनुभूति जब तक नहीं होगी तब तक ज्ञान हो ही नहीं सकता ज्ञान का कंप्लीट साइकिल है ज्ञान विज्ञान और प्रज्ञान आप दो ही लेवल में जाएंगे तो आप ज्ञानी कैसे होंगे ज्ञान होने के लिए अनुभूति की भी आवश्यकता है और वो जब अनुभूति होती है दैट इज़ कॉल्ड द स्पिरिचुअलिज्म वो कोई पूजा पाठ का बात नहीं है कोई धर्म का बात नहीं है कोई किसी देवी देवता की बात नहीं वो जो इस स्पिरिचुअलिजम जो विश्व की एक शक्ति है जिस शक्ति से हम डराइव्ड हो रहे हैं जिस शक्ति ने हमको बचपन से लेके आज तक बढ़ने के लिए बताया जिस शक्ति ने हमारे जन्म होने के पहले हमारे माँ के अस्तन में बृष्ट में दूध की व्यवस्था कर दी जिस शक्ति ने हमारे लिए पहले से खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दी हम कैसे कैसे जाएंगे कैसे कैसे करेंगे उसका सारा देखिए आप एक बिल्डिंग बनाते हैं एक बिल्डिंग जब बनाने के पहले आपको उसका मैप बनाना पड़ता है उसका नक्शा पास कराना पड़ता है म्यूनिसपलिटी से तब जाकर आपकी बिल्डिंग बनती है आपको भगवान कोई भी आपको भेज रहा है इस धरती में आपका ब्लू तो बना होगा पूरा जीवन का नक्शा आप उसी से ये आपको नहीं मालूम है इसलिए आपको लगता है कुछ नहीं है हम कर रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं वो सारा जो है वो एक्स्ट्रा एक्सटेरेस्टेलियल फोर्स जो है वो कराता है और उसी से होता है और दुनिया में कुछ नहीं है नथिंग एल्स अभी जमाने में लोग बोलते हैं डॉक्टर बहुत बड़ा है धर्म कुछ नहीं है ये वो कुछ नहीं है लेकिन हम अभी भी हमारे जो देवी देवताएं हैं उनको मानते हैं उनको पूजते हैं वो अलग बात है कि कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा वो अपनी ऊपर डिपेंड करता है जैसे आपने हमारे साथ डिस्कस किए सर कि वो तुरंत ही प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है और एक बात भी एग्जाम्पल ये है कि हमारे न्यूट्रिशन हो या फिर डाइटिशियन हो ये बोलते हैं कि शाम से पहले कुछ लाइट खाना खा लीजिए उसी दिन कुछ हैवी नहीं खाना है ये भी लिखा हुआ है हम जब बात करते हैं उसको बोलते हैं ज्योतिष जो बोलता है हमें उस दिन कुछ जो प्रेगनेंट लेडी है कुछ छोटे बच्चे हैं कोई बीमारी हो तो वो खा सकता आप है आप आप तो फिर आप सुनिए भोपाल में जो गैस ट्रेजिडी हुई थी उस गैस ट्रेजेडी में कितने लोग मारे गए थे जिस मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ उस गैस ट्रेजेडी में बहुत सारे लोग मारे गए और उसका अभी तक भी मामला चल रहा है ठीक नहीं उसी 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 फैक्ट्री के बगल में एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी को हमेशा गाय के गोबर से वो लिपाई करता था वो पक्का नहीं था कच्चा था गाय और उसमें सात परिवार मजदूर के रहते थे उन सात परिवार मजदूर जिंदा रहे बाकी कोई जिंदा ही नहीं रहा बाद में पता चला कि वो गाय के गोबर से रेडिएशन को रोक दिया तो रेडिएशन जब इतना रोकता है तो सूर्य ग्रहण होने पर रेडिएशन होता है वो रेडिएशन से गर्भ में जो बच्चा है उसको भी नुकसान हो सकता है हमको भी होता है इसलिए अल्ट्रावायलेट किरणें जो है यूबी वन यूबी टू यूबी थ्री ये तीनों शाम को आते हैं इसलिए शाम को हम दीपक जलाते हैं एलो, एलो दीपक जलाते हैं एलो दीपक इसलिए जलाते हैं कि रेडिएशन ब्लू है और ब्लू में जब एलो मिला देंगे तो ग्रीन हो जाएगा क्लोरोफिल हो जाएगा हम हमारी बॉडी अल्ट्रावायलेट की जो नुकसान करने वाला हार्मफुल जो रेडिएशन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा

तो आप डॉक देख डॉक्टर अप्रेन पहनता है ग्रीन पहनता है आपका वेजिटेबल में ग्रीन का सिंबल होता है ग्रीन आपके लाइफ है आप वनस्पति जितना खा रहे हैं सब ग्रीन है ग्रीन वेजिटेबल है इसलिए बोलते हैं ग्रीन वेजिटेबल खाइए तो वो क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल आएगा तो अल्ट्रा वायल्टट का जो नुकसान करने वाला रेडिएशन है जिसको विकरण कहते हैं वो विक्र विकरण नलीफाइड हो जाएगा और वो यू बी वन यू बी टू अल्ट्रा वायलेट वन अल्ट्रा वायलेट टू अल्ट्रा वायलेट थ्री ये शाम को छः बजे से ले कर पौने आठ बजे तक रहता है और इसलिए उसी समय आप देखिए कि हमारे घर में हर घर में गाँव में हर जगह जो मेट्रोपोलिटी सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ वहाँ भी कुछ लोग हैं अदरवाइज जो रिमोट एरिया है गाँव में आप देखिए शाम को सब दीपक जलाते हैं और तिल का तेल का दीपक जल मेरी वो ना उनको नहीं मालूम है वो दे डोंट नो बिग ज्ञान लेकिन वो जलाते हैं वो क्योंकि परंपरा से हमारे यहाँ ज्ञान इतना था कि सबको बता दिया गया था कि आ, ऐसा आप करेंगे क्वेश्चन कोई नहीं करता था क्योंकि श्रद्धा और विश्वास होता था कि गुरु ने अगर बोला है तो इसका पीछे कोई वैज्ञानिक कारण होगा सब सब लेकिन वो बताता नहीं था सर जैसे आप डिस्कशन कर रहे थे लेकिन अभी हम ये भी कह सकते हैं जब ये मुद्दा सामने आता है ये कह सकते हैं परिपूरक है धर्म और विज्ञान टू साइड ऑफ ए कॉइन देखिए विज्ञान धर्म के बिना अधूरा है धर्म विज्ञान के बगैर अधूरा नहीं है धर्म अपने आप में कंप्लीट है परिपूरक नहीं है धर्म रिलीजन रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ रिलीजन बहुत नुकसान करता है धर्म जो हम लोग धारण करते हैं जो हम लोग स्वभाव है हमारा वो धर्म जो है जो जिसको स्पिरिचुअलिटी कहा गया है वो परिपूरक नहीं है वो अपने आप में पूर्ण है विज्ञान हमेशा जब तक इस, आइंस्टीन विज्ञान को मानने वाला आइंस्टीन से बड़ा कोई नहीं है जब भी आइंस्टीन अपने लास्ट स्टेज में जाकर उसने गॉड पर बिलीव किया क्या आप मेरी बात सुनिए उसने गॉड पर बिलीव किया जितने भी साइंटिस्ट हैं जब अपने अपर लेवल पर पहुंच जाते हैं स्टीफन हॉकंस उसने कहा कि गॉड कहीं नहीं है सब ग्रेविटेशन कर रहा है लेकिन लास्ट स्टेज में पहुंच के उसने कहा गॉड इज ओनली देयर इज ओनली अथॉरिटी कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड दैट इज गॉड तो जो ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट डिजाइन की जो उसने किताब लिखी थी उस किताब में उसने ग्रेविटेशन की बात करी कि ग्रेविटेशन से सब कुछ होता है कोई गॉड नहीं है देर इज नो गॉड एट ऑल और वो भी लास्ट स्टेज में जाकर बोलता है देर इज अ गॉड एंड ही इज़ द कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो साइंस का आदमी जब टॉप में जाएगा तो, तो वो, वो इस नहीं तब वो गॉड नहीं तब वो स्पिरिचुअल हो जाएगा और जब स्पिरिचुअल हो जाएगा तो धर्म पर आधारित हो जाएगा इसलिए साइंस का अगला स्टेज जो है वो धर्म है इसलिए धर्म अपने आप में परिपूर्ण है और साइंस बगैर धर्म के अधूरा है और जब साइंस धर्म के बगैर होता है तो नुकसान पहुंचाता है ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाता है जब साइंस धर्म के साथ जुड़ जाता है तो मानवता की रक्षा करता है यही है वास्तविक आप मनुष्य हैं हम भी हैं हाँ। आप साइंटिस्ट हैं हम साधारण मनुष्य हैं जब ये बात छेड़ता है जब ये बात सामने आता है भगवान के नाम पर प्रश्न होता है भगवान के अस्तित्व मंगा जाता है ये यह, यहीं पर लोग प्रमाण भी मांगते हैं आप भी मनुष्य हैं गुस्सा लगता है नहीं देखिए कहीं न कहीं कभी कुछ लगता तो है लेकिन देखिए किसी के प्रति विरोध नहीं है नहीं नहीं, नहीं, नहीं आ, आप मेरी बात सुनिए उसमें बहुत हम लोगों को सोचना पड़ता है कि अभी उनका वो लेवल नहीं आया है जिस दिन वो लेवल आ जाएगा उस दिन अपने देखिए रियलिटी को सच्चाई जो है उसको आप दबा सकते हैं लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं इसलिए अंत में किसी भी समय वो रियलाइजेशन होगा जब तक रियलाइजेशन नहीं होगा हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं हम लोग अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम रियलाइज़ करें अनुभूति करें अनुभूति हम करते नहीं जो आया देखा किया चला गया हम जब अनुभूति नहीं करेंगे जब तक जब तक हम उसको रियलाइज़ नहीं करेंगे साइंस हमेशा सा कहता है एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं होता है रियलाइजेशन इज़ मस्ट इंपॉर्टेंट तो वो जब रियलाइजेशन जहाँ शुरू होता है वहाँ स्परिचुअलिटी शुरू हो जाती है जब तक एक्सपेरिमेंट है तब तक विज्ञान है और एक्सपेरिमेंट का जब अगला स्टेप जब जाता है रियलाइजेशन तो रियलाइजेशन में जाने के बाद वो विज्ञान ज्ञान नहीं होता है फिर वो धर्म हो जाता है फिर वो मानव की रक्षा करता है और ईश्वर को मानने लग जाता है जो लोग अभी भी वही सवाल फिर से सर दोहराऊंगी जो लोग अभी भी सत्ता धर्म के नाम पर भगवान के नाम पर प्रश्न करते हैं भगवान कहाँ हैं हमें ये दिखाओ ये प्रमाण मांगते हैं क्योंकि विज्ञान तो और कोई कोई केमिकल हो या फिर कुछ भी हो हम वहां पे दिखा सकते हैं उसको प्रमाण कर सकते हैं लेकिन भगवान ऐसे हैं कि हम अनुभव करते हैं वो लोग को हम कैसे समझाए देखिए ईश्वर को तो किसी ने देखा नहीं किसी ने नहीं, नहीं देखा तो जो लोग कहते हैं कि ईश्वर है वो भी भगवान का डिग्निटी डाउन करते हैं <laughs> अगर आपने जैसे कह दिया कि मैं हूं मेरे सामने है ना की एक आदमी है इतना बड़ा आदमी है ये है छोटा है कैसा रंग तो आप हमको आइडेंटिफाई कर रहे हैं तभी तो कह रहे हैं कि हम हैं आप टीवी में भी दिखाने जा रहे हैं भगवान को किसी ने देखा नहीं तो भगवान इतना महान है कि उसको देखा भी नहीं जा सकता तो जो बोलता है भगवान है वो भी भगवान की डिग्निटी को डाउन करता है और जो कहता है भगवान नहीं है वो उससे ज़्यादा डिग्निटी को डाउन करता है क्योंकि वो एकदम कन्फर्म है कि भगवान नाम की चीज़ वर्ल्ड में नहीं है संसार में नहीं है हमें लगता है कि भगवान सिर्फ अनुभूति का विषय है रियलाइजेशन रियलाइज और रियलाइजेशन जब अगर होगा तो भगवान है रियलाइजेशन नहीं होगा तो आपके लिए भगवान नहीं लेकिन साइंस तो ये नहीं कहता भगवान नहीं है साइंस कभी कुछ नहीं कहा साइंस हाँ। तो नहीं कहता है। हाँ। और ये जो कहने वाले हैं ये साइंटिस्ट भी नहीं है नहीं तो 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 नहीं हम उनके विषय तो में कुछ नहीं कहना चाहते आई आई डोंट वांट टू से साइंस कभी साइंस कभी नहीं कहता साइंस हमेशा सत्य को प्रमाणित करता है जो सत्य है उसको प्रमाणित करेगा जो उससे बियॉन्ड जिसका एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है वहाँ साइंस कहेगा कि अभी तक साइंस वहाँ तक नहीं पहुँचा है इसलिए हम लोग वहाँ तक नहीं जान पाए हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी है ऐसा हो सकता है ये साइंस कहेगा साइंस कभी नहीं कहेगा कि ऐसा नहीं है ऐसा कभी साइंस कह ही नहीं सकता विज्ञान बहुत प्रमाणित है विज्ञान ये कहता है कि हमने यहाँ तक देखा अभी तक तो हम लोगों को समझ में नहीं आया लेकिन हम हम इसको बॉर्डर लाइन नहीं करते हैं इसके बियॉन्ड अगर हम जाएंगे तो हो सकता है हम मना नहीं करते हैं तो साइंस कभी मना नहीं करता है कि ऐसा नहीं है साइंस कहता है हम वहाँ तक अभी नहीं पहुँचे हैं अभी हमारी रिसर्च वहाँ तक नहीं पहुँची जिस दिन पहुँच जाएगी उस दिन हम बात के करें विज्ञान और धर्म की तुलना नहीं है विज्ञान का हाँ विज्ञान नहीं धर्म परिपूर्ण है विज्ञान धर्म के बगैर अपूर्ण है वो नुकसान पहुंचा सकता है क्षति कर सकता है धर्म से जुड़ जाएगा तो मानवता की रक्षा करेगा ह्यूमैनिटी की रक्षा करेगा ह्यूमर हो जाएगा वो ह्यूमैनिटी जो आती है वो धर्म के आधार पर आती है हृदय नहीं होगा तो आप किसी पर करुणा नहीं कर सकते हैं करुणा के लिए हृदय होना जरूरी है और, और एक्सपेरिमेंट के लिए आपको आपकी फोकसिंग जरूरी है फोकसिंग और आ, अनुग्रह में अंतर होता है इसलिए जब विज्ञान धर्म के साथ जुड़ जाता है या विज्ञान धर्म के साथ लग जाता है तो पूर्ण हो जाता है वही उसकी पूर्णता है वही उसकी भव्यता है वही उसकी डिविनिटी है और वही उसका मेरेकल है और हम लोग यही चाहते हैं और कुछ बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे हम साथ इतने डिस्कशन करने के लिए आ, हम आम सहित थी ओम प्रकाश पांडे जी जे अंतरिक्ष वैज्ञानिक ताको कहवा कथा जो डिस्कशन हमें इतने समय धरिक ଥିଲୁ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ବିଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ବିନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଏ ଏକା ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ବିନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ